नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। शासकीय कामों में भ्रष्टाचार कितना हावी है, इसकी वानगी देखने को मिलती है गुना बमोरी रोड पर बने पुल से। यह पुल बने हुए मैच एक बरस भी पूरा नहीं हुआ, उससे पहले ये पुल बारिश में ढह गया। बता दें कि ये पुलिया गुना बमोरी रोड पर बनी थी, दूसरी साल जून में बनकर तैयार हुई थी। पहली बारिश और उसके तेज बहाव में टूट गई ये पुलिया। इसी से अंदाजा लगाया सकता है कि कितना भ्रष्टाचार हुआ होगा। वहीं बिना अधिकारियों के मिली भगत से ऐसा घटिया काम कैसे हो सकता है। इसी गड़बड़ झाले की पुल खोलता यह पुल जो एक साल भी नहीं चल सका। अभी पुल के साइड में मरम्मत करा दी गई है और ठेकेदार ने 5 साल की गारंटी दी है। पुल उसी को सुधारना पड़ेगा। इस पुलिया का निर्माण ब्यावरा के शिवरे कंपनी ने किया था। इस बारे में विभाग के इंजीनियर शुक्ला जी से बात करना चाहिए तो उन्होंने कैमरे के आगे आने से साफ इनकार कर दिया। और इसी तरह से काम होते रहेंगे तो सरकार के पैसे का दुरुपयोग कौन रोकेगा। अखिल भारतीय ग्वाल महासभा के तत्वाधान में किया गया सम्मान समारोह का आयोजन। मानस भवन में अखिल भारतीय ग्वाल महासमाज द्वारा प्रतिभाओं का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर अधिकारी मौजूद रहे, साथ ही बड़ी संख्या में समाज जन उपस्थित रहे। यहां पर उपस्थित अतिथियों ने समाज को आगे बढ़ाने की बात कही। देना है और इसे आगे बढ़ाना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि महंगाई, दहेज और बेरोजगारी ये सभी के प्राण खा रही है, जिसके कारण हमारी जो शिवपुरी छावनी है, मैं बार बार उनको ये बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो एक नया तरीका समाज के अंदर पेश किया, हम पूरी समाज पे रास्ता दी और उन्होंने एक सम्मेलन शुरू किया जिसमें 37 कन्याओं की शादी गठित हो रही है। हमारी बहनें हमारी बाकी में आकर खड़ी हो रही है, हमें सहयोग प्रदान कर रही है। मैं हृदय से उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। माधव का महीना है, भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर जन्म अष्टमी पर आप सभी ग्वाल समाज के भाई बहनों, माताएं, बेटे और बेटियों को उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई। मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि सभी छावनियों में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। अब आप लोगों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज बाबू पार्क के पास लगे पीपल के पेड़ के डाल टूटकर 11 केवी लाइन के ऊपर गिरी। बाबू पार्क के बाहर स्थित पीपल के पेड़ की डाल अचानक टूटकर 11 केवी लाइन पर अटक गई। गनीमत रही कि 11 केवी लाइन का तार नहीं टूटा, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। आपको बता दें कि बाबू पार्क के पास एक पीपल का पेड़ स्थित है, साथ ही वहां पर बहुत सी दुकानें हैं, साथ ही हमेशा भीड़ भी होती है। हालांकि विद्युत मंडल द्वारा लाइन की सूचना मिलने पर तुरंत ही लाइट को बंद कर दिया गया था। We'll be right back.
शहर में लोधा लोधी समाज द्वारा वीरांगना महारानी अवंतीबाई जयंती के उपलक्ष्य में लोधा लोधी समाज द्वारा एक विशाल वाहन रैली निकाली गई। इस वाहन रैली में महारानी अवंतीबाई लोधी का चित्र रखा हुआ था। साथ ही समाज के एक युवती ने महारानी अवंतीबाई का रूप धारण भी किया हुआ था। यह रैली शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई निकली। गुना में भी पेट्रोल डीजल गैस की टंकी के रिकॉर्ड तोड़ भाव बढ़ोतरी के विरोध में 10 सितंबर 2018 को प्रातः 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक बाजार बंद करने की अपील कांग्रेसियों द्वारा की गई। इसी के चलते आज सदर बाजार से होते हुए हाट रोड तक व्यापारियों के हाथ जोड़कर पर्चे बांटते हुए बाजार बंद करने की अपील की जा रही है। वहीं कांग्रेस जन सभी से स्वेच्छा से बंद करने की अपील कर रहे हैं, जिससे इस बंद के बाद पेट्रोल और पेट्रोलियम पदार्थों के भाव कम हो सके। पेट्रोल और गैस की जो रिकॉर्ड तो बढ़ोतरी हुई है, इसके लिए जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आप सबकी आवाज़ उठाने के लिए अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना समर्थन दीजिए। आपको आशीर्वाद चाहिए। ये महंगाई की मार जो है सभी गरीब सब झेल रहे हैं। आज का हमारा बाजार का भ्रमण राफेल विमान खरीद घोटाला, बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर, पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि को लेकर आज हमारा जनसंपर्क अभियान चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा भारत बंद के आह्वान के लिए हम लोग सब लोग जनसंपर्क कर रहे हैं, जिससे कि कल गुना में शांतिपूर्वक बंद कराया जा सके। किस तरह की अपील कर रहे हैं? हम लोग अपील ये कर रहे हैं कि कल कांग्रेस पार्टी का जो बंद है, एक महंगाई के खिलाफ में भारत बंद के लिए बाजार और गुना शहर हमें समर्थन दे और गुना शहर बंद हो। क्या नाम है? जिससे इसका विरोध प्रदर्शन किया जा सके। जिला कोर्ट के सामने स्थित यात्री प्रतीक्षालय हुए क्षतिग्रस्त। अगर आप कहीं जाने के लिए जिला कोर्ट के सामने बस पकड़ते हैं या बस का इंतजार कर रहे हैं तो आप यात्री प्रतीक्षालय में ना बैठें। आपको बता दें कि यात्री प्रतीक्षालय जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है। अगर पानी से बचने के लिए आप इसमें बैठते हैं तो बाहर कम भीगेंगे, अंदर ज्यादा भीग जाएंगे, क्योंकि वहां पानी टपकता रहता है। वहीं उसकी छत की हालत भी इतनी जर्जर हो चुकी है, छत में लगे सरिये भी देखे जा सकते हैं। वहीं प्रशासन ने इस ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया, या कोई बड़ी घटना होने के बाद ही प्रशासन ध्यान देगा।
लगातार कई दिनों से हो रही बारिश के चलते आम जनजीवन ठप्प हुआ है, साथ ही लोगों के घरों तक पहुंचने का मार्ग भी लगभग बंद हो जाने की कगार पर आ गया है। ऐसा ही नजारा देखने को मिला श्रीराम कॉलोनी में, जहां श्रीराम कॉलोनी 5 मार्ग पर इतना कीचड़ हो गया है कि आए दिन वाहन गिर रहे हैं और लोग चोटिल हो रहे हैं। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट रुको तो। सोशल मीडिया पर मुहिम चलाकर युवक के इलाज के लिए 2 दिन में जुटाए 1,30,000 रुपए। गुना का एक युवक जो अपनी दोनों किडनियां खराब हो जाने के चलते गुजरात के नांडियाल अस्पताल में उपचाररत है, जिसको 10 लाख रुपए की एक बड़ी राशि की जरूरत है। पिता ने बेटे के इलाज के चलते अपनी जमा पूंजी लगा चुके हैं, इतना ही नहीं उन्होंने अपना घर तक गिरवी रख दिया है। इसके बाद भी इलाज की रकम कम पड़ी तो शहर के लोगों ने युवक के इलाज की मदद के लिए सोशल मीडिया पर आर्थिक मदद के लिए आह्वान किया तो नेक दिन इंसानों की लाइन लग गई। इसके लिए शहर के लायंस क्लब और लीडर्स क्लब ने अकेले ही 1,25,000 रुपए की राशि का इंतजाम कर दिया, जो राशि कल परिजनों द्वारा दिए गए खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, गुना सहित अशोकनगर के लोगों ने इस मामले में अपनी दरिया दिली को दिखाया है, जिसमें महिंद्रा फाइनेंस के अधिकारियों कर्मचारियों ने भी युवक की मदद के लिए राशि खाते में ट्रांसफर की है। वहीं कुछ राशि जागरूक ग्रुप ने भी एकत्रित कर दी है, जो राशि कल युवक के परिजनों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। हम आप सभी से इस युवक के इलाज के लिए जितना हो सके उतना दान करने की अपील करते हैं। आपके थोड़े दान करने से किसी की जिंदगी बच सकती है। कल हुए आजाद किरार की मौत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक और परिजन अज्जू की मौत को हत्या की बात कह रहे हैं, वहीं पुलिस प्रशासन इसे हत्या नहीं मान रही। इसी के चलते किरार मित्र मंडल ने आज हनुमान चौराहे से मौन जुलूस निकालकर CSP के माध्यम से SP को ज्ञापन सौंपा। साथ ही कहा गया कि आजाद किरार उर्फ अज्जू की हत्या की गई है, इसमें संलिप्त लोग जो भी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और मामले की निष्पक्ष जाँच की जाए। अज्जू आजाद इसकी हत्या की आशंका है और हमें जनवाद है कि उसके सिर में जो धारदार हथियार से वार हुआ है गर्दन के यहाँ मुँह पे और उसके कपड़े वगैरह निकले हुए पड़े, वो आशंका है कि उसको किसी ने मार के रेलवे ट्रैक पे पटका गया है उसको। और श्रीमान जी से निवेदन है कि उसकी जांच की जाए और आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिले। छत्री राजपूत महासभा की बैठक का आयोजन शहर के एक निजी होटल में रखा गया। छत्री महासमाज द्वारा छत्री समाज के समस्त संगठनों को एक साथ एक मंच पर लाया गया, जिसका मकसद समाज को एक करना था। साथ ही SC ST एक्ट में जो संशोधन हुआ है उसका भी यहां विरोध किया गया। साथ ही कहा गया कि छत्री समाज सवर्ण एवं पिछड़ा वर्ग मिलाकर 67% होते हैं, जो किसी भी सरकार को बना सकते हैं और किसी भी सरकार को गिरा सकते हैं। साथ ही यहां पर अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि आगामी समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिससे सरकार को यह संदेश जा सके कि छत्री समाज सवर्ण एवं पिछड़ा वर्ग के देखी करना सरकार को कितना भारी पड़ सकता है। संत हुआ ना हमसे बड़ा कोई सत्यवादी हुआ। आज ठीक है सरकारें हमारे साथ जो भी न्याय कर रही है, लेकिन आज जरूरत है समाज को आपकी। एक बार मैं आपको याद के छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। जब मगध जब पूरी तरह से अपने विभ्रमता पर था और वहां का राजा निरंकुश हो गया, प्रजा परेशान हो गई, लोग मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का सम्मान ठाकुर धर्मवीर सिंह कुशवाहा द्वारा यहाँ है, वही पर भी आपका सम्मान है।
आपका सम्मान ठाकुर धर्मवीर सिंह कुशवाहा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा स्वागत करते हुए आप सबका क्षत्रिय महासभा में इस सदन में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं सभी अग्रणी पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तित्वों को जो तो क्षत्रिय जो खंड खंड होते जा रहे हैं वो सब एक मंच पर आकर के अपने एकता का प्रदर्शन करें। उसी संदर्भ में आज हमने जो अलग अलग 18 संगठन थे उन सबको आमंत्रित कर आज यहाँ एकता का सफल संकल्प दिलवाया है। साथ ही आज जो सरकार सामान्य वर्ग के साथ जो छेड़छाड़ कर रही है उसको हमें मूल से निपटाना है। उसे हम जो है चाहते हैं कि क्षत्रिय और सवर्ण समाज जब एक साथ हो जाएगा, पिछड़ा वर्ग एक साथ हो जाएगा, तो निश्चित रूप से हम 67% होते हैं, 22% लोगों की बात नहीं चलेगी, 67% जो कहेंगे वही होगा। इसलिए आज तो ये क्षत्रिय महासभा की एकता की बात है, कल हम सवर्ण समाज की बैठक बुलाएंगे, उसके बाद पिछड़ा वर्ग और सवर्ण समाज को भी बुलाएंगे, और जब हमारा एक हुजूम तैयार हो जाएगा तो हम संघनाथ कर देंगे, चाहे वो कोई भी सरकार हो, जो हमारे हित की बात नहीं करेगा वो गद्दी पर कभी नहीं बैठ सकता है। इसी संकल्प को लेकर आज हजारों सैकड़ों लोग हमारे साथ आए हैं और सभी ने एक सुर में ये कहा है कि हम निश्चित रूप से आपके साथ हैं, हम चाहते हैं कि इस तरह का अभियान चलाया जाए ताकि राजपूतों में एकता हो, सवर्णों में एकता हो, पिछड़ा वर्ग और राजपूत और सवर्ण एक साथ चलें, एक साथ काम करें और सभी को पूरे देश ही नहीं विश्व को ये संदेश दे दें कि हम सब एक हैं। हम हमारे साथ जो दो तरह की बात की जाती है उस दोगली बातों को हटा करके हम एक सुर में, हम एक मंत्र से, हम एक साथ लेकर के अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और इस देश को ही नहीं पूरे विश्व को इस बात का संदेश देंगे। आगामी बैठक हमारी दिल्ली में है, उसके बाद आगरा में है, वहाँ के लोग एकत्रित होंगे। इस तरह से हम पूरे देश में अपना अभियान चलाएंगे, जगह जगह हम आम सभाएं करेंगे, जगह जगह बैठ के लेंगे और हम बता देंगे कि 2019 में यदि ताज बनेगा तो सवर्ण समाज के ऊपर बनेगा, SC ST एक्ट और ये आरक्षण के विरुद्ध एक संगठन बनेगा, उसी को सत्ता में आने का मौका मिलेगा। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने लगा भदौरा से बरखेड़ा हाट जाने वाला मार्ग। आपको बता दें कि इस मार्ग का काम अभी चल रहा है, वहीं ठेकेदार ने इसका काम पिछले कई महीनों से बंद करवा दिया था, जिसके चलते पुलिया के पास कटाव शुरू हो गया। वहीं ठेकेदार द्वारा यहां पर मुरम से रोड बनाई गई, जिससे बारिश के चलते यहां बुरा हाल है। वहीं रोड के पास भी कटाव शुरू हो गया है, जिसके चलते यदि ऐसी ही बारिश रही और कटाव हुआ तो रास्ता पूरी तरह से ही बंद हो जाएगा। वहीं ग्रामीणों ने हमें बताया कि ये काम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत चल रहा है, जिससे यहाँ ठेकेदार को डबल रोड बनाना था, लेकिन ठेकेदार की मनमानी के चलते ये रोड अब इस लायक भी नहीं रहा कि एक वाहन भी यहाँ से निकल सके। वहीं रोड की दुर्दशा के चलते करीब एक दर्जन गाँव इससे प्रभावित हो गए हैं। सूत्रों की माने तो यह ठेकेदार इस कदर मनमानी किए रहता है कि उसके आगे किसी की नहीं चलती। वहीं सरपंच ने भी यहाँ पर आकर काम के बारे में जब जानना चाहा तो उसे भी यहाँ से दुत्कार ही मिली। देखना होगा कि क्या प्रशासन यहाँ बिना आस्था हुए इस ठेकेदार पर कोई कार्रवाई करता है या फिर किसी हादसे का इंतजार करेगा प्रशासन।
वहीं से दे रहे हैं। अब ये रोड कब बनी थी? ये रोड अभी मतलब चालू हो रही है अपनी, आज से 2 महीने चालू हो गई इनकी रोड। इससे पहले इस पे काम हुआ था? इससे पहले काम हुआ है? नहीं हुआ था। क्या हुआ इसमें, जे अभी अपनी प्रधानमंत्री में थी पुरानी रोड, तो इसने अभी अपनी बरकेरा हाट से लेके देरी तक, तो जे अपनी दोबारा रोड हुई है, ईवी रोड में कहने की आई डबल रोड है जी, मतलब है ना। तो इसमें क्या करना है, जे अपनी रोड है ना, तो इनने ऐसी कार्ड रखी है इससे 7-8 गांव के रास्ते रोक रखे हैं। घटावदा पंचायत, नडाई पंचायत, पाली, बूढ़ा खेड़ा, पिपरोधा, मड़ी, सैमरा, ऐसे 15-20 गांव परेशान है। हादसा हो सकता है, यहाँ कुछ भी हादसा हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो रोड यहाँ सिंगल वाहन को निकलने की भी लायक नहीं रहने दी इनने, वो बोल रही है तो मरम थी जमी रोड वो ही हटा दी इनने। और आज 4 महीने से काम चल रहा है इस नाले का, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। देसी आना न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।